मंत्री मुरारीलाल मीणा दौसा दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने डाक बंगले पर जनसुनवाई की, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं मंत्री के सामने रखी और मंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए, साथ ही उनके समाधान का प्रयास किया। इस अवसर पर विधायक की पुत्री निहारिका का जन्मदिन कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ मनाया। विधायक की पत्नी और कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी रही सविता मीणा ने अपनी बेटी को माला पहनाकर आशीष दिया। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और सभी ने निहारिका को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे जन्मदिन को लेकर, क्या विशेष है इस बार? जन्मदिन को लेकर मतलब इस बार मेरा बहुत ज़्यादा खास बना। पहली बार मेरा डाक बंगले पे बनाया गया जन्मदिन, सब लोगों के साथ, सारी दो थे, दौसा वाले थे हमारे साथ के थे, टीम थी पूरी, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा जन्मदिन मनाया और हाँ मेरे को शुभकामना दी। मेरे बहुत बड़े बुजुर्ग भी थे जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया आके और मेरे अच्छे भविष्य की कामना की। धन्यवाद। आशीर्वाद देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह कामना करना चाहेंगे? मैं ये तो कामना करना चाहूँगी कि तीन लोगों ने रात चौकों ने इसकी है, जो प्रगति हो, उन्नति करे और पढ़ लिख के भी खुशी हो, पापा का नाम रोशन करे। किस रूप में देखना चाहते हैं आगे इनको? आगे तो इसके ऊपर है, ये स्वयं अपना भविष्य तय करेगी क्या करना चाहिए। जैसे कि आज निहारिका जी है, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, सभी कार्यकर्ताओं में बहुत हर्षोल्लास है और सबने दिल से सुबह से तैयारियों में लगे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि निहारिका जी राजनीति के साथ साथ हम सब कार्यकर्ताओं को सम्मान देती हैं और हर कार्यकर्ता की उनके दिल में जगह है, इसलिए एक अंदर से भावना पैदा होती है। ये है कि भाई हमारे दौसा के आदरणीय मंत्री जी हैं, उनकी पुत्री हैं, तो उसके हिसाब से वैसे भी है एक प्रोटोकॉल के हिसाब से, लेकिन उन्होंने हर कार्यकर्ता को एक दिल में जगह दी है बिना किसी अभिमान के, और उसके हर कार्यकर्ता की बात सुनती हैं और राजनीतिक से ना जुड़ते भी पूरी तरह से जुड़ के और हमको हर जगह आगे बढ़ाने का मौका देती हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मैडम और साहब से ना कह के हम अपने मन की बातें इनसे कह जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्होंने हर कार्यकर्ता के दिल में जगह।